हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करने वाले हैं सुपरस्टार सुदीप किच्चा की फिल्म पहलवान फिल्म के ट्रेलर के बारे में। तो चलिए देखते हैं क्या खास है इस ट्रेलर में, जिस वजह से हम इस फिल्म के लिए ज्यादा एक्साइटेड होते भी है या नहीं। सो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल बात की जाए फिल्म के ट्रेलर की, तो फिल्म के ट्रेलर में ही हमें फिल्म की पूरी स्टोरी बता दी गई है। यानी देखने जैसा अगर कुछ रह गया है तो वो है बस फिल्म का एंड, जिसमें ऑब्वियसली जीत हीरो की ही होगी। यानी कहीं ना कहीं देखा जाए तो ट्रेलर एडिटिंग के टाइम पर एक बहुत बड़ी गलती की गई है, जो गलती शायद अब सुधारी नहीं जा सकती। क्योंकि अगर देखा जाए तो फिल्म के ट्रेलर से ही, जैसे कि मैंने कहा, हमें फिल्म की स्टोरी पता चलती है। यानी फिल्म में नया कुछ भी नहीं है और ये फिल्म भी बस हमें एंटरटेन करने के लिए बनाई गई है। और जो लोग पहले ये कह रहे थे कि एक्चुअल में पहलवान फिल्म सलमान खान की सुल्तान फिल्म की रीमेक है, तो जी नहीं, अब ऐसा कुछ भी नहीं है। ये फिल्म सुल्तान फिल्म की रीमेक नहीं, बल्कि उसी के नक्शे कदम पर चल रही एक अलग फिल्म की कहानी है। जिस कहानी में सुदीप किच्चा का कैरेक्टर एक बिगड़ा हुआ कैरेक्टर है, जिसे अपनी कुश्ती पर बहुत ज्यादा घमंड है और वो इसके चलते जल्दी दूसरों की बात नहीं सुनता। लेकिन इन सब के बीच सुनील शेट्टी के कैरेक्टर की नजर उस पर पड़ जाती है, जिसके बाद उसे मनाने में लग जाता है कि वो कुश्ती छोड़कर बॉक्सिंग ट्राई करे। अब जी हां, कुछ लोगों को ये प्लॉट सुल्तान फिल्म की ही तरह लग रहा होगा, लेकिन जैसे कि ने कहा, फिल्म सुल्तान फिल्म से थोड़ी हटकर बनाई गई है, जिसमें हमें दिखाया जाता है कि सुनील शेट्टी ही बाद में सुदीप किच्चा के कैरेक्टर को ट्रेन करते हैं, क्योंकि डेफिनेटली सुदीप किच्चा के साथ में कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता होगा जिस वजह से उनका कैरेक्टर फिल्म में सुधर जाता है। और फिर शुरू होती है उनकी ट्रेनिंग, जिस ट्रेनिंग के बाद आगे की लड़ाई उन्हें खुद लड़नी है। और इन सब के बीच हमें एक और कैरेक्टर नजर आया, जिनका नाम है सुशांत सिंह, और उनकी एंट्री शायद इंटरवल के पहले होगी, जिस दौरान सुनील शेट्टी के कैरेक्टर की नजर सुदीप किच्चा के कैरेक्टर पर पड़ती है कि वो कुश्ती में कितने ज्यादा माहिर है। क्योंकि वहाँ पर सुशांत सिंह और सुदीप किच्चा के बीच में एक जबरदस्त कुश्ती दिखाई जाती है, जिस कुश्ती का विलन ऑब्वियसली फिल्म का हीरो ही होगा। और बात करें फिल्म के मेन विलन की, तो फिल्म में मेन विलन का रोल कर रहे हैं कबीर दुहान सिंह, जिन्हें हमने इसके पहले साउथ की ही काफी सारी फिल्मों में ही देखा है। और अगर बात करें सुनील शेट्टी की, तो मुझे लगता है सुनील शेट्टी के करियर की ये दूसरी साउथ की फिल्म है। इसके पहले हमें सुनील शेट्टी तमिल फिल्म में नजर आए थे, जिस फिल्म का नाम था 12B, और बाद में फिल्म को हिंदी में डब कर इस फिल्म का नाम रखा गया था 12B रास्ते। और अब सीधे सुनील शेट्टी हमें कन्नड़ इंडस्ट्री की बड़ी फिल्म पहलवान में नजर आने वाले हैं। और ऑब्वियसली इस फिल्म को हमारे इंडिया में बाकी दूसरी और लैंग्वेज में भी डब कर रिलीज किया जाएगा, खास करके हिंदी में, क्योंकि इन दिनों साउथ की फिल्मों का ही क्रेज बॉलीवुड में काफी ज्यादा चल रहा है और लोग साउथ की फिल्में देखना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। और ऊपर से सुदीप किच्चा का अगर ज्यादा नाम है, तो वो नाम है उनकी फिल्म वीर मदकरी से, जिसे देखकर लोग एक हिसाब से उनके फैन हो गए थे। और हाँ, मक्खी फिल्म को कौन भूल सकता है। खैर, तो बात करें फिल्म की रिलीज डेट की, तो इस फिल्म को 12 सितंबर को रिलीज किया जाएगा, जिसके बाद हमें एक्चुअल में पता चल जाएगा कि ये फिल्म है कैसी और क्या अलग इस फिल्म में डाला गया था। हालांकि जो बात मैंने अभी आपको बताई है फिल्म के ट्रेलर को देखकर, कि फिल्म में नयापन कुछ भी नहीं है और फिल्म बस वही पुरानी सी स्टोरी हमारे सामने रखने वाली है, वो भी आज के दौर में, जो शायद हो सकता है कि इस फिल्म के लिए एक अच्छी बात साबित हो। वेल, तो अब आपकी क्या राय है फिल्म पहलवान को लेकर, उस बारे में मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा। और उसी के साथ साथ अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है, तो मेरे इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, लग गया तो इस बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा, ताकि मैं चैनल पर जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूं, आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। वेल, तो अब मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। टिल देन, बाय।